लल्ला मेहमान आने वाले हैं, दौड़ के जा और लाला जी के यहाँ से बिस्किट ले आ। बस फिर क्या था, इतना सुनते ही मैं झट से लाला की दुकान पर जाता था और पट से गुड्डे का बिस्कुट ले आता था। बिस्किट से जुड़ी इतनी सारी यादें हैं कि क्या बताऊं। एक बार तो गांव के टायर दौड़ में मैंने 2 गुड्डे के बिस्किट जीते थे। उस टाइम अगर हमें कोई मेहमान ये बिस्किट दे देता था तो हमारी नजरों में वो धन कुबेर से कम नहीं होता था, क्योंकि ये वो बिस्कुट थे जिसने पार्ले जी को अच्छी खासी पटकनी दी थी। इसलिए मिस्टर टेकबुल के आज के इस वीडियो में आप जानेंगे उस बिस्किट की मेकिंग प्रोसेस के बारे में, जिसके मुंह में घुलते ही सच में हमारा डे गुड हो जाता था। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। गुड्डे बिस्किट बनाने की शुरुआत होती है बिस्किट के लिए आटा तैयार करने से, जिसे तैयार करने के लिए आटे में मिल्क मेड, ग्लूकोज, बटर और बिस्किट में सोया एमल्सीफायर को मिलाया जाता है। ये मिलाना इसलिए जरूरी होता है ताकि बिस्किट एकदम क्रंची बन सके और दांत से काटने पर कुट कुट की आवाज आ सके। आटे में इतना सब कुछ मिलाने के बाद अब बारी आती है एक स्पेशल चीज मिलाने की, जिसके बिना गुड्डे बिस्किट को उसकी असली पहचान और स्वाद नहीं मिल सकता, यानी कि काजू। आटे में काजू मिलाने से पहले इन बड़े बड़े पैकेट से काजू निकालने के बाद उन्हें अच्छी तरह से धोया और फिर साफ किया जाता है। फिर उसे थोड़ा सा ग्राइंड करके बिस्किट के आटे में मिला दिया जाता है। आटे में इतना सब कुछ मिलाने के बाद भी ये आटा अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि ये आटा अभी भी सूखा ही है। इसलिए आटे को सूखे से डो में बदलने के लिए उसमें मिलाया जाता है एक स्पेशल टाइप का फिल्टर पानी, जिसमें कैल्शियम और अमोनियम सॉल्ट भी मौजूद होता है। आटे को गीला करने के बाद मिक्सिंग मशीन को लगभग आधे घंटे के लिए ऑन कर दिया जाता है, ताकि आटे में सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो सके। आटा मिक्स होने के बाद बिस्किट का बेस अब तैयार हो चुका है। अब इस बेस को बड़े से मोल्डिंग रोलर के बीच में से गुजारा जाता है और इस रोलर में से निकलने के बाद गुड्डे बिस्किट को अपनी वो जानी पहचानी डिजाइन मिल जाती है, जिसे देखते ही बच्चा भी समझ जाता है कि ये बिस्किट गुड्डे ही है। लेकिन अभी भी ये बिस्किट कच्चे और पिलपिले हैं, इसलिए अब इन्हें पकने के लिए लगभग 6.5 मिनट के लिए एक बहुत बड़े और ऑटोमेटिक ओवन में छोड़ दिया जाता है। ये ओवन इतना बड़ा होता है कि इसमें एक टाइम पर लगभग 1400 बिस्किट को एक साथ पकाया जा सकता है। ओवन से निकलने के बाद ये बिस्किट अपने असली रंग रूप और स्वाद में आ जाते हैं, जिसे देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ सकता है। अच्छे से बिस्किट बेक होने के बाद अब इसे भेजा जाता है इसके नेक्स्ट यूनिट, यानी कि पैकेजिंग यूनिट में। ये ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन इन बिस्किट्स को 10 रुपए वाले मिनी और जंबो पैकेट्स में पैक कर देती है, जिसके बाद इसे भेज दिया जाता है पूरी दुनिया में बिकने के लिए, ताकि इससे आपकी सुबह की चाय और भी लजीज बन सके। जाने से पहले एक बोनस फैक्ट आपको बता दें कि इस फैक्ट्री में रोजाना 1.8 करोड़ बिस्किट बनाए जाते हैं और ये सभी बिक भी जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी कहानी गुड्डे की मेकिंग की। आपको अगली वीडियो में कौन से प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग देखनी है, आप चाहें तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।